हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटी साइंस गुरुजी। आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके एक पोर्शन है गैल्वेनिक सेल, उसका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा और उसको पूरा डिफाइन करूंगा, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको हर साल एक तो थ्योरी में और एक न्यूमेरिकल पोर्शन में पक्का दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक मैंने ओवरव्यू किया है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। देखो, मेटल टू मेटल आयन जो हमारे पास लेफ्ट साइड है उसमें मैंने क्या लिखा है, मेटल मेटल आयन, मतलब कि मेटल और मेटल आयन। ये अब ये क्या हुआ, ए टू ए पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कहां होगा, हमारे पास एनोड पे होगा। उस साइड क्या है, मेटल आयन टू मेटल, मेटल आयन टू मेटल, मतलब कि ये क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन किधर होगा, कैथोड पे होगा। एनोड के ऊपर ध्यान रखना, एनोड हमेशा नेगेटिव पोल कहलाता है, कैथोड हमेशा पॉजिटिव पोल कहलाता है। तो हमारे पास जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास क्या है, एनोड है। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या है हमारे पास, एनोड है, पॉजिटिव क्या है, कैथोड है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे गया, एनोड टू कैथोड, मतलब कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, ये मैंने दिखा रखा है। और ये क्या है, ये साल्ट ब्रिज का होता है। अब आगे करते हैं, हम स्टैंडर्ड जो यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो बताता हूं। ये मैंने एक आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया कि हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है उसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आगे करते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वहां से बताता हूं मैं। सबसे पहले हमसे पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ की, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसका हमसे स्टैंडर्ड ईएमएफ बता सकता है। अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसकी वो करा रहा हूं, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे होता है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई और ऊपर नोट, मतलब ई नोट। तो कैसे डिनोट करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। जो हमारे पास कैथोड के ऊपर जो वैल्यू आएगी उसको किसमें से एनोड को उसमें से माइनस कर देंगे। कैथोड कौन सा है हमारे पास, कैथोड हमारे पास राइट है, एनोड हमारे पास लेफ्ट है, मतलब कि राइट माइनस लेफ्ट, मतलब रिडक्शन माइनस किसमें से, इसमें से। ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक बात जरूर याद रखना, ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अभी ये शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा या कम आ रहा होगा, जब मैं आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे एक बेहद इंपॉर्टेंट पूछता है, नर्न्स्ट इक्वेशन। इस डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि नर्न्स्ट इक्वेशन को आप एक्सप्लेन कीजिए, या फिर इसको इसके ऊपर बेस्ड एक आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। कैसे, जो हमारे पास ई सेल होता है वो क्या होता है, ई नोट माइनस, ये नर्न्स्ट इक्वेशन ही है, ई नोट हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन एम डिवाइड बाई एम एन पॉजिटिव। आर हमारे पास क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट, टी हमारे पास टेम्परेचर है। जो हमारे पास नर्न्स्ट इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पर ही आती है, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, 25 डिग्री को हम किसमें, 298 केल्विन में ये चेंज हो जाता है। तो हम जो टेम्परेचर की वैल्यू लेते हैं वो इसके ऊपर बेस होती है, डिवाइड बाई एन एफ एल एन एम डिवाइड बाई एम एन पॉजिटिव किसके बराबर होगी, ई नोट, जब आर और टी की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.059 डिवाइड बाई एन और लॉग 1 बाई एम एन पॉजिटिव। अब हम आगे देखते हैं इसके न्यूमेरिकल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे इसके कुछ एक न्यूमेरिकल, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और जिस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो। देखो, अगर कोई कोई ऐसी इक्वेशन है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है, ए प्लस बी बी एक्स एक्स वाई वाई, तो अगर इसका पूछे आपसे कि आप इसकी नर्न्स्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए, तो आप क्या करोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। यहां तक तो सारी चीजें सेम रहेगी, लोग फिर आपको यूज करना है इक्विलिब्रियम का, क्या होगा, ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये होगा एक्स वाई, और जो भी हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो भी बैलेंस करने के लिए यूज किया वो हम किस में ले आएंगे, पावर में।
सेम ऐसे। तो हमारे पास ये एक ऐसी, अगर कोई ऐसी इक्वेशन की पूछे, ऐसी इक्वेशन की आप कैसे लिखोगे, ये होगी उसकी नन्स्ट इक्वेशन। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड ईएमएफ के। देखो Cu, Cu2 पॉजिटिव, ये क्या हो गया लेफ्ट और ये क्या हो गया राइट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, Cu2 पॉजिटिव टू Cu, मतलब क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 0.34 वोल्ट, और किसका दिया हुआ है आगे सिल्वर का दिया हुआ है, Ag पॉजिटिव, Ag इसका भी क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। और आप स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल के दिखाओ, स्टैंडर्ड ईएमएफ आप आसानी से निकाल दोगे। मैंने क्या क्या कहा था, राइट माइनस लेफ्ट, राइट क्या है हमारे पास ईजी का, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालोगे, एजी माइनस ये, ये टू पॉजिटिव कॉपर, ये आसानी से निकाल दोगे आप। क्या 0 पॉइंट सिल्वर का कितना दिया हुआ है, आगे लिख लेते हैं, सिल्वर का कितना दिया हुआ है 0.80 माइनस, ये हमारे पास क्या हो गया राइट, ये हमारे पास क्या हो गया लेफ्ट 0.34, 0.34 जब इसको हम सोल्व करते हैं हमारे पास क्या आएगा 6, और ये क्या आना चाहिए 4, 0.46 वोल्ट, ये हमारे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड ईएमएफ। ये तो एक हो गया बिल्कुल ही सिंपल सा, अगर डायरेक्ट पूछेगा तो ऐसे, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है क्वेश्चन को वो, तो वो कैसे पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा, देखो ई नॉट ऑफ ए सेल, उसने एक सेल की सेल दे दिया पूरा निकल का और कॉपर का, निकल कॉपर ये इसने दिखा दिया, ऑक्सीडेशन ये दिखा दिया, रिडक्शन कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ उसने दिया हुआ है 0.59 वोल्ट। आगे क्या कह रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ कॉपर का, अब उसने कॉपर का दे दिया स्टैंडर्ड ईएमएफ, कॉपर इज 0.34, अब उसने कॉपर का क्या दिया स्टैंडर्ड ईएमएफ दे दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन दिया हुआ है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन दिया हुआ है या रिडक्शन दिया हुआ है, अब उसने रिडक्शन दिया हुआ है तो आप रिडक्शन यूज कीजिए, Cu2 पॉजिटिव और Cu कितना दिया हुआ है उसने, Cu कितना दिया हुआ है कॉपर का 0.34 दिया हुआ। अब उसने पूछा किसका है, फाइंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल, निकल का पूछा हुआ उसने, क्या पूछा हुआ है कि आप मुझे निकल का बताइए। अब निकल का हम आराम से निकाल देंगे, निकल का दिया हुआ, निकल का क्या ई नॉट एन आई Ni2 पॉजिटिव, ये पूछ रखा उसने, रिडक्शन पोटेंशियल Ni2 पॉजिटिव टू Ni, ये पूछा हुआ है उसने किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल पूछा हुआ है। आसानी से हम इसका यूज करेंगे, 0.59 किसके बराबर होगा, राइट माइनस लेफ्ट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस निकल का रिडक्शन Ni, 0.59 इक्वल कॉपर का कितना दिया हुआ है उसने 0.34। अब निकल का आपको निकालना है, अब मैंने ये आपको बता दिया, अब यहां से आसानी से हमारे पास निकल का निकल जाएगा, तो आपके पास क्या होगा 0.59 में से 0.34 को आप क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वहां से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए सेल Cd2 पॉजिटिव, इधर इसकी जो हमारे पास आयन है इसकी कंसेंट्रेशन दे दिया हमें, और इस आयरन की साल्ट में बीच बीच में इसने साल्ट ब्रिज का जो नोटेशन है वो यूज कर लिया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ, जो हमारे पास ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल दे दिया, इधर इसने क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन दिखा रखा है, इधर इधर क्या दिखा रखा है इसने रिडक्शन दिखा रखा है। आगे है द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सीडी, देखो ध्यान देना क्या क्या दे क्या कह रहा है, पहले ही स्टैंडर्ड रिडक्शन दे रखा है एंड Fe2 पॉजिटिव, सीडी का और आयरन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या दे दिया
सी डी का क्या हो गया, जीरो माइनस 0.403, और हमारे पास जो आयरन का है वो कितना हो गया माइनस 0.441 रिस्पेक्टिवली। तो हमसे ई पूछ रहा है, ये ई एम एफ पूछ रहा है, क्या होगा स्टैंडर्ड ई एम एफ माइनस 0.059 डिवाइड 91 डिवाइड बाई एन लोग, लोग इधर जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी उसको हम यूज कर लेंगे। अब देखो पहले हम निकालते हैं स्टैंडर्ड ई एम एफ, स्टैंडर्ड ई एम एफ क्या करेंगे राइट माइनस लेफ्ट, पहले पहले किसका एफ ई रिडक्शन दे रखा है, रिडक्शन ध्यान रखना एफ ई टू पॉजिटिव टू आयरन माइनस फिर किसका दे रखा है कैडमियम का सी डी टू पॉजिटिव सी डी, ये दिया हुआ है, दोनों का क्या दे रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो राइट माइनस लेफ्ट यूज करते हैं हम, माइनस 0.403 माइनस फिर माइनस का है ये 441 है इधर 441 माइनस माइनस अंदर ऑलरेडी 0.403, इसको जब हम सोल्व करते हैं हमारे पास आएगा जीरो, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 8 फिर 3 0.0 माइनस 0.038 वोल्ट आएगा। अब इसको हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखना, माइनस 0.038 वोल्ट माइनस 0.0591। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, इसकी बनती है सी डी प्लस एफ ई टू पॉजिटिव, और हमारे पास क्या आएगी इसकी सी डी टू पॉजिटिव प्लस एफ ई, तो हमारे पास नंबर ऑफ आयन वो की क्या आए टू आए, तो हम एन की वैल्यू क्या यूज करेंगे टू यूज करेंगे इधर दो लोग, इधर कंसेंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है तो क्या करेंगे उसको हम यूज करेंगे इधर, देखो सी डी की कितनी दी हुई है कैडमियम की जीरो, इसको डायरेक्ट करते हैं 10 की पावर माइनस 3, और आयरन की कितनी दे दी एफ ई की 0.6, आप इधर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या आएगा सी डी टू पॉजिटिव एफ ई टू पॉजिटिव ये आएगा। इसको तब हम सोल्व करते तो मैं तो आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूं जो इसका आएगा आंसर आएगा, आप इसको लॉग में लेके आप इसको सोल्व करना, तो आप इसको जो सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0441 वोल्ट। तो देखो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट इसमें स्टैंडर्ड ईएमएफ के थ्रू हमारे से जो नर्स्ड इक्वेशन है उसका यूज करके हमसे क्या निकलवाया गया EMF निकलवाया गया, कुछ नहीं हुआ इसमें। आपको क्या याद रखना है कि इधर स्टैंडर्ड रिडक्शन दिया हुआ है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो उसको रिडक्शन में कीजिए माइनस से मल्टीप्लाई करके, हमने फिर क्या किया स्टैंडर्ड रिडक्शन इधर निकाल लिया, हमारे पास क्या आया 0.038 वोल्ट जो कि किस में आया माइनस में आया, फिर हमने क्या यूज किया EMF जो नंस्ड इक्वेशन है उसको, और इधर इधर मैंने बताया था जो हमारे पास क्या होगी जो इसमें इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट ऊपर प्रोडक्ट वाला ऊपर आएगा, जो रिएक्टेंट के साइड आएगा वो नीचे आएगा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास सी डी था कैडमियम था, इसका मैंने 0.001 मोल यूज जो मोलैरिटी था वो उसका यूज किया, और इधर 0.6 का, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0441। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी, और जो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।